हेलो गाइस, मैं हुसैनी और आप देख रहे हैं मोटर स्ट्राइक। सो गाइस, आज देखने वाले हैं महिंद्रा थार 2020, जो कि मस्ट अवेटेड कार है और बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं इसका। इसके लीक्स आ गए अपने पास। तो अपने पास इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस, प्राइसिंग, ये बहुत थोड़े बहुत मेरे पास लीक्स आ चुके हैं। वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और इससे पहले एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट ईयर हुआ था, महिंद्रा ने लॉन्च की थी महिंद्रा थार पे बेस्ड, यानी लास्ट जनरेशन थार पे बेस्ड महिंद्रा रॉक्सॉर यूएसए में, और जो कि बैन हो गई थी 3 मंथ्स बाद। अच्छी खासी सेलिंग चल रही थी, इवन लोग उसको कंपेयर कर रहे थे रैंगलर से। और उसके बाद जब वो बैन हो गई, तो इंडिया में महिंद्रा ने अनाउंस किया कि हमारी जो थार आएगी वो आप जीप को भूल जाएंगे। गाइज, एक डिबेट था थोड़ा बहुत, जो कि अब आई थिंक फिनिश हो गया है थार लॉन्च होने के बाद। अभी तक ऐसा लग रहा था कि थार एक नॉर्मल सी वही रगिड SUV, जिसमें रगिड सा डैशबोर्ड और हार्ड सस्पेंशन, लैडर फ्रेम, इस टाइप का कुछ डिज़ाइन होगा जो आप स्कॉर्पियो वगैरह में देखते हैं। बट ये उसको बहुत आगे ले गए हैं। जैसे अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर की फ़ोटो आ रही है, LED टेल लैम्प्स मिल रहे हैं, एक्सटीरियर में आपको वाइड बॉडी मिल रही है, ऑलमोस्ट हाफ फुट पर साइड इसकी बॉडी वाइड कर दी गई है, LED DRLs वगैरह ऑप्शन मिलने वाले हैं। बहुत ही रगिड और प्रीमियम सेगमेंट पे इसको ले गए हैं। पर बात करते हैं अपन एक्सटीरियर की, तो मैं आपको बता दूं कि इसके एक्सटीरियर में जो चेंजेस होंगे, सबसे बड़ा चेंजेस तो ये होगा, इसमें हार्ड टॉप भी मिलेगा, सॉफ्ट टॉप भी मिलेगा। सॉफ्ट टॉप में क्या होगा, जो इसका रियर साइड होगा ये रिमूवेबल होगा, और आप इसको ओपन SUV, जैसे आप अभी फोर्ड की ब्रोंको वगैरह ने ऑप्शन दिए हैं इस टाइप के, और लास्ट जनरेशन थार में भी थे, जो आप पीछे का सॉफ्ट टॉप थे वो निकाल सकते थे। और बात करते हैं गाइज इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में गाइज इनने मतलब बहुत ही आगे ले जा चुके हैं इसको, क्योंकि लास्ट जनरेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें अपग्रेड्स, तो आप देखेंगे डोर्स पे थार की बैजिंग है, 4-व्हील ड्राइव का आपको ऑप्शन दिख रहा है, गियर्स देख लीजिए आप, फ्रंट में टच स्क्रीन मिल रहा है ऑलमोस्ट 10 इंचेस का है आई थिंक, एयरबैग्स ऑप्शन मिलने वाले हैं। ओवरऑल बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में चली गई है थार, और ऐसे रगिड लुक और ऐसे इंटीरियर के साथ एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। आई थिंक जो स्कॉर्पियो ने हाइप बनाया था, वो हाइप फिर से बन सकता है थार लॉन्च होने के बाद। और मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स बता देता हूँ सीट्स की। तो गाइस, फ्रंट सीट में तो आपको 2 सीट्स मिलने वाली हैं, और उसके बाद अपन अगर रियर साइड में आए, तो रियर साइड में मैं अभी जो लीक्स आए वो फ्रंट रो सीटेड आई है, बहुत ही सही लग रहा है। सीट में जो आप लेग रूम वगैरह देख रहे हैं, हेड रूम देख रहे हैं, बट ये है कि सीट के साइड में आपको ओपनिंग डोर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, पैक मिरर मिलेंगे, और ये आपको मिलने वाला है। इसके बाद आप सीट देखेंगे, 3 लोगों के लिए उसमें स्पेस मिल रहा है। और आई थिंक लोअर वेरियंट्स इसमें एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आप फ्रंट रो सीटेड बैठेंगे, जैसे लास्ट रो होती है लास्ट जनरेशन थार में, वाला ऑप्शन मिल सकता है सॉफ्ट टॉप के साथ। ये अभी पता चला है। और उसके बाद अपन देखते हैं एक्सटीरियर में और जाते हैं, तो अपन को रियर साइड में जैसे कि आपको इको स्पोर्ट और लास्ट जनरेशन थार में आप देखते थे, जो बूट का डोर होता है उसी पे आपको स्टेपनी जो टायर होता है वो मिलता है। और गाइस, अब देखें अपन इसके इंजन ऑप्शन में, तो आई थिंक इसमें इंजन ऑप्शन में डीजल और पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल में 2 लीटर इंजन मिल सकता है, डीजल में आई थिंक ऑटोमेटिक का मैं कंफर्म नहीं बोलता, बट 4-व्हील ड्राइव कंफर्म हो गया, 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन आएगा, और आई थिंक पेट्रोल डीजल दोनों में आएगा, और एमॉक इंजन के साथ ही आ सकता है। 140 हॉर्स पावर वाला अगर इंजन आ जाता है तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और एक जो सबको डाउट था कि ये लैडर फ्रेम आएगी, मोनोकॉप आएगी, तो गाइस ये लैडर फ्रेम ही आने वाली है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए लैडर फ्रेम ही अभी बजट सेगमेंट्स में जो अंडर 20 लाख कार होती हैं उसमें वही रूल करता है, जैसे कि आप स्कॉर्पियो वगैरह में आप देखते हैं। ओवरऑल देखें तो बहुत ही डेडली पैकेज हो सकता है, और वेट करिए। और जैसी 15 अगस्त को इसकी डिटेल आती है, जैसे महिंद्रा ने बोला है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में वो लीक करेंगे, आई थिंक प्रेजेंस कर देंगे 15 अगस्त को, गाड़ी का लुक्स रिलीज हो सकता है। प्राइसिंग की बात करें अपन, तो प्राइसिंग में गाइज इसमें ये है कि जो इसके स्टार्टिंग प्राइसिंग जो मुझे लगती है ऑलमोस्ट 10 लाख से स्टार्ट होगी और 17-18 तक जाएगी। 10 लाख से पेट्रोल वेरियंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको सॉफ्ट टॉप वेरियंट विदाउट अलॉय व्हील वाला वेरियंट स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए अगर टॉप वेरियंट में आप जाएंगे तो 17-18 तक आएगा, उसमें आई थिंक आपको ऑटोमेटिक डीजल और अलॉय व्हील्स वाले मॉडल मिल जाएंगे, जिसमें LED हेडलैम्प्स वगैरह भी ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है। सेफ्टी की बात करेगा इसमें आपको ABS ऐसे स्टैंडर्ड ऑप्शन आएंगे, और आई थिंक 2 एयरबैग्स आपको मिलने वाले हैं।
सो ओवरऑल बहुत ही डेडली पैकेज है गाइस। वेट करिए सिर्फ 15 अगस्त का, क्या रिलीज आती है, क्या लिखा आता है। अगर व्हीकल आता हम बिल्कुल आपको जरूर दिखाएंगे। वीडियो अगर अभी तक आपने देख लिया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।